अनदर व्लॉग। तो गाइस काफ़ी दिन से आप सोच रहे होंगे कि हम यूट्यूब पे एक्टिव नहीं है और वीडियोज भी मेरा नहीं चल पा रहा है। तो गाइस आज हमारे साथ में है लक्की भाई और हम दोनों जाने वाले हैं आज मुजफ्फरपुर, जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा कि नहीं। तो हम लोगों ने सोचा कि रमज़ान चल रहा है और हम लोग वीडियो बना भी नहीं पा रहे हैं, तो आज कुछ काम आ गया है जो घर का ही कुछ काम है, तो उसके रिकॉर्डिंग हम लोग जा रहे हैं थोड़ा मुजफ्फरपुर तक ही। अप डाउन लगभग 130 किलोमीटर पूरा लेकर के वहाँ से, तो 130 किलोमीटर का एक्सपीरियंस आपको पूरा दिखाएंगे वीडियो में। फिलहाल अभी बाइक में फ्यूल नहीं है, तो अभी बाइक में पहले फ्यूल लेंगे, उसके बाद फिर चलेंगे। तो गाइस चलते हैं पहले पेट्रोल पंप पे, पहले फ्यूल लेते हैं बाइक। क्या इसमें क्या है, चल नहीं जाएगा ये? तो गाइस हम लोगों ने अभी फ्यूल ले लिया है बाइक में और यहाँ 300 का पेट्रोल लिया है हम लोगों ने, बिकॉज गाड़ी अपनी जो है माइलेज वाली है, तो इतना में हम लोग अप डाउन आराम से कर लेंगे। बाकी घटे बड़े तो रास्ता में हम लोग फिर ले ही लेंगे। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं रूनी सैदपुर, जहां का बालूशाही बहुत ही ज़्यादा फेमस है और ये पूरे बिहार के वासियों को पता है कि रूनी सैदपुर का बालूशाही बहुत ही फेमस है। 20 या 25 किलोमीटर और आ गया मुजफ्फरपुर। तो गाइस देख सकते हैं यही है रूनी सैदपुर, काफ़ी बड़ा मार्केट है यहाँ का भी, यहाँ कपड़ा का मार्केट हो गया। और यहाँ देख सकते हैं टुनटुन मिष्ठान, जो कि काफ़ी फेमस है यहाँ का टुनटुन मिष्ठान। अगर आप बालूशाही खाने अगर आ रहे हैं तो हम सजेशन करेंगे टुनटुन में आप आएँ, और बहुत ही अच्छा मिठाई यहाँ का रहता है। यहाँ पे हो गया रूनी सैदपुर का एक मंदिर, जो कि थाना भी इसी रोड में हो गया अंदर में, और जाके लेफ्ट में थाना है रूनी सैदपुर का। यहाँ पे कुछ सरकारी कार्यालय हो गया, कुछ सरकारी यहाँ पर काम वाम होता है। और कोरोना का टीका भी मैंने उस साइड आगे जाकर के लिया था, रूनी सैदपुर में लिया था, और वहाँ पे एक प्रखंड है जो कि सरकारी कार्यालय कुछ है, और यहाँ पे चावल का गोदाम उदाम ये सब है, जो कि कोल्ड स्टोर हम इसको बोल सकते हैं। तो गाइस हम लोग अभी मुजफ्फरपुर पहुंच चुके हैं, देख सकते हैं पीछे का नज़ारा, और यहाँ से टाउन में जाने का रास्ता है और यहाँ से ऑन द हाईवे। तो गाइस हम लोग ऑन द हाईवे जा रहे हैं और देख सकते हैं हम लोग का जो मंदिर है वो पहुंचने में मात्र 11 किलोमीटर रह गया, और टाइम दिखा रहा है 15 मिनट। तो 15 मिनट में 11 किलोमीटर हम लोग को तय करना है। और ये रोड जो हो गया ये दरभंगा का रोड हो गया, और यहाँ से सीधा जा कर तो यहाँ से पटना का भी रोड निकलता है। तो गाइस हम लोग का आज पूरा दिन मुजफ्फरपुर में रह गया, हम लोग आए थे यहाँ लगभग 2 बजे, तो अभी का टाइम हो रहा है 7:37। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं घर की ओर, और बहुत ज़रा थकावन भी हो गया। लक्की अभी गाड़ी ड्राइव करेगा,